नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छे टॉपिक पे। भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये एप्पल का फ़ोन है, हालांकि ये तो भैया ओल्ड मॉडल हो गया। अगर मैं आपको बता दूं कि एप्पल का 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स या 13 मिनी अगर आपको आधे पैसों में दे दूं, एकदम नया पेटी पैक, तो क्या आप लेना पसंद नहीं करोगे? मुझे लगता है आप आराम से पसंद कर लोगे, जल्दी जल्दी मुझे कॉल करके पैसा डालने लग जाओगे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला निकल के आया है। आजकल आपने देखा होगा साथियों, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाते हैं आपको मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल के नाम से या फिर किस भी नाम से अगर आप खरीदना चाहते हैं, चाहे आप दुबई में बैठे हैं, चाहे किसी भी देश में, इंडिया की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ निकल के आई हैं, आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है जो फ़ोन आप खुश होकर 1,00,000 रुपये का 40,000 में मिल रहा है, पता लगे वो फ़ोन 5,000 रुपये का भी नहीं है, तो आपकी आपको धोखा हो जाएगा ना। तो डिटेल से जानिए कि मैटर क्या है और सच्चाई क्या है। फोन खरीदने से पहले आपको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, आपको पता है, एक बता दूं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कल की डेट की। एक सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा आजकल एक अच्छा ऊपर चल रहा है, आप कितने वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, 50% ऑफ, 60%, 70-80, 80% ऑफ में मोबाइल मिल रहे हैं, यानी एप्पल के फ़ोन आप कचरे के भाव में ले सकते हैं। ये सच्चाई, आप यकीन मानिए, देखो आप यूट्यूब पर जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा, हाँ यार इतने फ़ोन सस्ते कैसे मिल रहे हैं। अनयूज्ड डब्बा पैक, डब्बा साथ में मिलेगा, बिल मिलेगा विद गारंटी, तो आपको क्या चाहिए, पैसा दोगे ना। अगर बात करें कि जो एप्पल का 13 प्रो मैक्स 1 TB 1000 GB वाला फ़ोन, टॉप मॉडल, 1,70,000 रुपये इंडिया में प्राइस बताई गई है, वो मोबाइल में आपको बोल दूं कि मात्र 60 से 70 हज़ार में मिल रहा है, आप आराम से खुशी खुशी क्यों नहीं ले लोगे यार। तीन गुना रेट कम लग रही है, जो आप जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकते वो फोन आप आराम से खरीद लोगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट इसलिए आया है कि बता, बॉम्बे एयरपोर्ट पे वहां पे केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी हाँ, अंजाम कैसे दिया है, 43 करोड़, जी हाँ 43 करोड़ रुपए के फोन और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। और हकीकत यह है कि हांगकांग से इंपोर्ट होके इंडिया में आ चुके थे, और जो पूरी इंडिया में फैलाया जाना था उसमें से 2350 आईफोन 13 प्रो मैक्स 2350 फोन तो वो थे। आप यकीन मानिए कि जो फोन आपको 40,000 में मिल रहा है वो हांगकांग में कितने पैसे में आता होगा, 8-10 हज़ार रुपये में आ जाता होगा। वो फ़ोन 43 करोड़ रुपए के कितने लाखों फ़ोन होते हैं, सिर्फ अगर आप उसको ख़रीद भी लेते हैं तो आप गारंटेड बात आप बता नहीं सकते कि ये फ़ोन असली है या नकली है, टोटली फ़ोन क्लोन कॉपी है, नकली फ़ोन है वो। जी हाँ, लेकिन मार्केट में उनको असली बता के बेचा जा रहा है, 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ। आप लोग बंद करके, मैं देखता हूँ वीडियो में भीड़ लगी रहती है मोबाइल ख़रीदने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं भाई, एप्पल थोड़ी दे रहा है इनको। अगर इनसे कोई सवाल करे तो ये क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना सस्ता फ़ोन, अरे भाई सेकंड हैंड है, लोग ऐसे है, वो वैसे है, कस्टम नहीं लगता, मतलब इस तरह से बना के लोगों को चेप देता है, ये सच्चाई है। जबकि यार पागल थोड़ी है एप्पल फ़ोन, 100 रुपये कम नहीं करती, आपने जाके देखो मार्केट में, आप अगर 100 रुपये भी कम कर दे तो मेन रेट से नहीं करेंगे, ये फेक फ़ोन है, असली नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि यार अपने को 3 गुना कम में मिल रहा है, 4 गुना रेट में कम में मिल रहा है, अपन आँख बंद करके ले लेते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं, आप ये 6 प्रो प्लस, ये आपको ये एप्पल का फ़ोन है भाई, ये 6 प्लस प्रो ये आपको 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाता है आराम से। अब बताओ जी क्या वैल्यू रहेगी फिर आईफोन की, तो इन चीज़ों से सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना भाई जो पैसे दे दिए, हो सकता है वो मोबाइल चले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन नकली तो नकली है, असली की बराबरी तो नहीं कर सकता। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।